माँ माँ, मैं जा रही हूँ। मैं मंजू और ये है मेरा गांव चांदमा कलां। काका राम राम। अब तो टेंशन फ्री हो ना आप? लोन माफ हुआ है इनका। काका की ही तरह राजस्थान सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों का फसल लोन माफ किया है, साथ ही हजारों किसानों का कृषि लोन माफ कर जमीन भी रहन मुक्त की है। और हाँ, 18 लाख से ज्यादा नए किसानों को पहली बार कोऑपरेटिव से जोड़कर लोन दिया है। ये हमारे गांव का कस्टम हायरिंग सेंटर है, सरकार ने इसे पिछले साल ही शुरू किया है। अब हर कोई तो ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें खरीद नहीं पाता, तो यहाँ सेंटर से आसानी से किराए पर ले लेते हैं। ऐसे ही 400 से ज्यादा सहकारी समितियों पर ये सेंटर शुरू किए गए हैं। ये ग्यारसी काका हैं, मेरी सहेली सुखना के पापा जी। नमस्ते काका, कैसे हो आप? सब ठीक है? अभी 4 दिन पहले ही MSP खरीद सेंटर पर अपनी फसल बेच कर आए हैं और आज इनका पूरा पैसा सीधा इनके खाते में आ गया। सरकार ने ऐसे ही 800 से ज्यादा MSP खरीद सेंटर बनाए हैं। इन सेंटर्स पर फसल बेचने पर पैसा बस 4 दिन में सीधा खाते में आ जाता है। राजस्थान सरकार ने बनवाया है ये गोदाम ताकि हमारी फसल यहाँ सुरक्षित रह सके। 1000 से ज्यादा सहकारी समितियों में ऐसे बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। सरकार की मदद से करीब 300 GSS अब मल्टी सर्विस सेंटर्स के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इन सेंटर्स पर किसानों को बड़े गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग जैसी सुविधाएं उनके गांव में ही मिल जाएंगी। इससे गांव में किसानों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी। आओ काका जी, बैठो। सरकार ने सब कुछ बायोमेट्रिक से जोड़ दिया है ताकि हर किसान की सही पहचान हो और उसका हक उसी को मिले। लीजिए, अंगूठा लगाइए, यानी गड़बड़ी का कोई चांस नहीं। काका जी, अब आपके लोन की रकम सीधे आपके खाते में आएगी। अब तो सरकार हर ग्राम पंचायत पर GSS बना रही है और 1300 से ज्यादा पंचायतों पर तो नए GSS खुल भी चुके हैं। आजकल सब एक ही बात कहते हैं। राजस्थान सरकार ने सहकारी समितियों से इन 4 सालों में किसानों के लिए इतने काम किए हैं जो पिछले कई सालों में नहीं हुए।